दिग्रस तहसील के मानवा गांव निवासी और युवा किसान गोविंदा चिपड़े की करंट लगकर हुई मौत के बाद ग्रामीणों और महावितरण अधिकारियों के बीच विवाद उपजा था, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से दिग्रस पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस संदर्भ में गुरुवार की दोपहर उद्धव ठाकरे समर्थक दिग्रस शिवसेना पार्टी की अगुवाई में मानवा गांव के नागरिकों ने दिग्रस तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकाला और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मानवा गांव के लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग उठाई। साथ ही मृतक परिवार को तत्काल आर्थिक मदद मिलने की भी गुहार इस दौरान लगाई गई। गुरुवार 14 जुलाई 2022 को दिग्रस तहसील के तहत आने वाले मांडवा गांव में एक युवा किसान गोविंदा सुभाष चिपड़े की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर आहत मांडवा गांव वासियों में रोष व्याप्त था, जिसके बाद घटनास्थल पर पंचनामा की कार्रवाई के दौरान पहुंचे महावितरण के अधिकारी और कर्मचारियों सहित गाँव वासियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। सूत्रों के अनुसार यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने महावितरण विभाग की लापरवाही से हुई युवक किसान की मौत को लेकर दिग्रस पुलिस थाने में महावितरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं दूसरी तरफ महावितरण के अधिकारियों ने भी सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कराने का हवाला देते हुए मांडवा गांव के 6 लोगों के खिलाफ दिग्रस पुलिस थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दिग्रस पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत संबंधितों पर मामले दर्ज किए। इसी बात को लेकर गुरुवार को उद्धव ठाकरे समर्थक शिव सैनिकों की अगुवाई में मांडवा गांव निवासियों के साथ मोर्चा निकाला गया। दिग्रस तहसील कार्यालय पर बड़ी तादाद में पहुंची मांडवा गांव की महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्गों और साथ ही शिव सैनिकों ने उपरोक्त घटना के संदर्भ में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए महावितरण की लापरवाही से युवक की मौत होने की बात को दोहराते हुए इस मामले में मांडवा गांव के मल्हार सेना के जिला प्रमुख यादव गावंडे, मांडवा गांव निवासी संतोष दलवी, जयवंत दलवी, एकनाथ सुभाष चिपड़े, सूरज चिपड़े और शेषराव गजभारे, इन लोगों पर आईपीसी की धारा 353, 332, 143, 147, 148, 149, 323 और 506 के तहत दर्ज किए गए इन मामलों को वापस लेने की गुहार लगाई। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में न्यायपूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया तो वह आगामी दिनों में इस घटना के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे। इसके साथ ही इस दौरान उद्धव ठाकरे समर्थक दिग्रस शिवसेना की ओर से उपरोक्त घटना में मृतक युवा किसान की विधवा, उसके बच्चे, उसके माता पिता आदि को तत्काल आर्थिक मदद मुहैया कराने की भी मांग उठाई गई। इस दौरान मृतक युवा किसान गोविंदा चिपड़े की माता ने भी तहसीलदार के समक्ष अपनी समस्याओं का बखान किया। आज माझा मुलगा मरण पावला म्हटला, आज आमच्या मुलाचं करायचं आम्ही का या जिथे चक्र मारायचा, आणि यादव गावंडे सारखा असा माणूस आहे जिथे जिथे कुठे वाद होईल तिथे तो उभाच राहते, त्याच्यावर एवढे काही मोठे गुन्हे दाखल केलेले आहे, त्यांचे गुन्हे त्यांच्यावर मागे घ्यावे आणि माझ्या मुलाला न्याय मिळावा, आणि माझे हे लहान नाती आहे, नातू आहे, त्यांच्यासाठी सुद्धा न्याय मिळाला पाहिजे, आम्हाला न्याय भेटलाच पाहिजे। आणि यादव गावंडे सारखे आणि सगळ्यासारखे असे माणसं एवढे काही आहेत, त्यांच्यासाठी न्याय मिळाला पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे। आज माझी छोटी नात आहे, माझा नातू आहे, हे सुनबाई आहे माझी, हिने काय करायचं? आज तर कोणी कोणाचं वाद सोडवायला जाते ना, मग सोडवायला जाते तर त्याच्यावर काय असे गुन्हे दाखल करता का तुम्ही? आम्ही काय करायचं? आमच्या मुलाचं करायचं का मग इथे चक्र मारायचं? आम्हाला आज न्याय मिळालाच। इस मौके पर दिग्रस शहर के वरिष्ठ शिवसैनिक पूनम पटेल ने भी युवक किसान की मौत के लिए महावितरण की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल न्याय दिलाने की मांग उठाई है। मांडवा येथील विद्युत पुढे मेलेल्या आमच्या कार्यकर्त्याला न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्या कार्यकर्त्याला न्याय मागत असताना शिवसेनेचे आमचे यादव गावंडे, शेषराव गजभारे, संतोष दळवी व इतर लोकांवर जे खोटे नाटे पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले, एम एस सी बीने गुन्हे दाखल केले, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले पाहिजे आणि मृतकाच्या पत्नीला आणि त्याच्या लहान लहान मुलांना एम एस सी बीने आणि शासनाने
भरपूर अशी आर्थिक मदत केली पाहिजे, कारण त्यांचा घरचा करता सर्विता गेला आहे, त्यांना आर्थिक मदत दिली पाहिजे। कुल मिलाकर देखा जाए तो युवक किसान की मौत को लेकर मांडवा गांव वासियों में रोष व्याप्त होना न सिर्फ स्वाभाविक बात है बल्कि यह एक इंसानी जज्बात भी है। इसके अलावा मांडवा गांव वासियों ने यादव गावंडे सहित संबंधित लोगों पर दर्ज किए गए मामले को वापस लेने की जो मांग उठाई है उसको लेकर प्रशासन क्या रुख अपनाता है यह देखने वाली बात होगी। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।